हथियार संभाले, हमारे युवा साथी पंजाबी गार्जन माता बहन हमारे के साथी आप सभी साथियों, आज हमने देखा अपने बिहार में बहुत नामांकन सभा में गए लेकिन एकदम भरपूर जनशक्ति के साथ आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे हमारे वीआईपी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी का नामांकन है। हम लोग आए हैं सभी को आशीर्वाद देने के लिए। साथियों ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो चुनाव का समय है, ये कोई आजादी से कम नहीं है। जैसे आपके पूर्वज हमारे पूर्वज देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़े पौने 200 साल अंग्रेज से, उसी तरीके से ये लड़ाई है साथियों, मान सम्मान अधिकार दिलाने का है, संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को जिंदा रखने का है। इसलिए तमाम हमारे गठबंधन के जितने भी युवा शक्ति हैं, सभी साथी से कहना चाहूंगा कि आपके पास जोश जरूर बहुत ही है और आपको हम लोगों ने एक कर्मठ उम्मीदवार राजेश कुशवाहा जी को हमने दिया है। इसलिए साथियों आप लोग यहाँ से जब निकलेंगे एक गांव में जाइएगा, एक एक बूथ पे जाइएगा और एक एक टोला में जाइएगा और अपने प्रत्याशी के लिए मजबूती से काम कीजिएगा। साथियों आप लोग हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। साथियों हम लोग गरीब पिछड़ा सभी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों आपने देखा कि नीतीश जी का सरकार हमारे तेजस्वी जी के साथ बना तो आपने देखा दो न्याय हुआ, एक लाखों युवा को नौकरी मिला और दूसरा सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आप सभी के बीच में SC ST OBC को जाति आधारित गणना कराकर उनके आरक्षण का कोटा गया है। साथियों इसी तरीके से आज आपके कर्मठ उम्मीदवार जो है वो मजबूती से आपके बीच में रहेंगे, उनको जिताइएगा और मजबूती से आपके लिए सेवा करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी 10 साल पहले आपसे हमसे झूठ बोले कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, आज आप और हम अच्छे बोल रहे हैं। हम लोगों को वाइस स्कोर से भी देखने से नहीं मिलता कि कहां हमारे अच्छे दिन है। उन्होंने कहा हर किसान को आत्महत्या होगा, आज भी हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे और आज भी हमारे लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में पैसा देंगे, आज भी हमारे नौजवान हमारे गरीब इंतजार कर रहा कि कब विदेश से पैसा आएगा और काला धन हमें मिलेगा। इसलिए साथियों ये सरकार झूठ बोलकर आया सत्ता में, ये सरकार आपका नहीं है। इसलिए सरकार को बदलना है और मजबूती सामाजिक आगे बढ़ाने का काम करना है। तो तमाम साथी से आग्रह है